अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये थोड़ा सा व्लॉग जो है ईद से पहले का है, यानी कि ईद प्रेपरेशन में जो आपकी ग्रॉसरी वगैरह होती है ना, उसका है। और कुछ जो है ना, इसका जो है सेकंड पार्ट जो है वो ईद के कुछ दिनों के बाद का है, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी ईद पर ना बड़ी सी ग्रॉसरी भी करनी पड़ती है इंसान को। तो हम जो है ना ग्रॉसरी करने के लिए चले गए इम्तियाज़। इसके अलावा जो है ना मुझे चाहिए थे अपने सोफ़ास कवर। अच्छा, मैंने सोफ़ास कवर जो है ना के लिनन से भी ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है ना मुझे नहीं रसीद हुए। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भी देख लूँ कि अगर जो है ना मुझे फिटेड जो है ना कवर्स मिल जाए। खैर, बाय चांस यहाँ पर जो है नहीं थे, तो मैंने फिर जो है ना नहीं लिए। और इसके बाद जो है ना हम लोग चले गए थे पार्क, क्योंकि हम लोग ना काफ़ी दिन हो गए थे, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है ना कि घर से निकलने का आपका बिल्कुल भी दिल ही नहीं चाहता कि आप जो है ना एसी वाले रूम्स वगैरह से ना बाहर निकले। हम फीमेल्स की जो है ना मजबूरी होती है कि हम लोगों को ज़ाहरी बात है कि किचन में काम भी करना पड़ता है, तो इस वजह से ना हम लोग थोड़ा सा जो है बाहर निकलते हैं। अदरवाइज जो है ना कोशिश होती है कि बच्चे जो है ना ना ज़्यादा बाहर आएँ, क्योंकि वाकई बहुत शदीद गर्मी है और ऐसा हो रहा है कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा जो है बीमार हो रहे हैं गर्मी की वजह से। तो अब जी हम चले गए थे फिर पार्क। पार्क में जो है आपको पता है कि आज इसलिए पार्क में आए थे हम लोग कि आज ना बारिश हुई थी और बारिश से ना थोड़ा सा जो है ना मौसम अच्छा हो गया था, तो हम लोग जो है इनको लेकर आए बाहर। बैकग्राउंड में जी ये सब है। और आज मैं आपसे एक छोटा सा टॉपिक है जो आपसे जो है मैं डिस्कस करूँगी, और आज का टॉपिक है बैड मैनर्स। और ख़ास तौर पर स्पेशली मैं उन फीमेल्स की बात कर रही हूँ जिनमें जो है ये आदत होती है। अच्छा, मोस्टली आपने देखा होगा कि जब एज ए गेस्ट कोई फीमेल कहीं पर भी जाती है ना किसी के घर, ख़ास तौर पर जब वो किचन में होती है, तो किचन के कैबिनेट्स ओपन करके देखना शुरू कर देती है, या खड़े खड़े जी फ्रिज ओपन करके देखना शुरू कर देती है। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा जो है ना बैड मैनर्स में शामिल होती है कि जब आपके घर कोई आए तो आप तो उसको किचन में भी एंटर ना होने दें, और दूसरों के घर जाके ना आप जो उनके जो है किचन में जाके फ्रिज ओपन कर रहे हैं, उनके जो कैबिनेट्स हैं किचन के वो खोल के देख रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना बुरा लगता है। तो अगर किसी भी फीमेल में ये आदत है तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि जिसके घर आप जा रहे हैं ना उसको बहुत ज़्यादा जो है ना बुरा लगता है, लेकिन वो आपके गेस्ट होने की वजह से जो है ना आपको थोड़ा सा जो है नहीं कह नहीं पाता, उसको लगता है कि मेरा गेस्ट है तो मैं इसको क्या कहूँ। अच्छा, सेकंड मैंने ये देखा है कि अक्सर ना घरों में बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन कारपेट्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं लोग के जाते हैं और अपने जो है ना बाहर के जो है ना डर्टी शूज़ जो है ना वो कारपेट पर रख देते हैं। अब आप खुद सोचें कि आपने अगर अपने घर पर कारपेट है आपके, और आपके घर पे कोई इस तरह से मड वाले शूज़ ले आए या इस तरह से जो है अपने डर्टी शूज़ रख दे, तो आपको कैसा फील होगा। तो ये सारी चीज़ों का ना थोड़ा सा ख्याल रखा करें, क्योंकि ये आपके जो है ना बैड मैनर्स में शामिल होती है। तो कोशिश किया करें कि आप जो है ना इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा जो है ना अवॉइड किया करें। अच्छा जी, अब हम लोग आ गए थे फुटबॉल क्लब में, यानी कि अब्दुल हादी जो है ना यहाँ पर फुटबॉल के लिए आया हुआ था कि यहाँ पर जो है ना इसने फुटबॉल खेलना था। तो बस आज का जो मेरा यही था टॉपिक ऑफ द डे भी यही था। मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा ना ये चीज़ मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि ये चीज़ें ना मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा ना बुरी लगती हैं। तो बस आज का व्लॉग था यहाँ तक, मैं एंड कर रही हूँ। दुआओं में याद रखा करें, अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।